वेलकम टू एनके क्लासेस। सो गाइज, आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बार्स ऑफ कंपोजिट सेक्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंपोजिट सेक्शंस किसे बोलते हैं। सो जो कंपोजिट सेक्शंस होते हैं वो दो या दो से ज्यादा मटेरियल से बनते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक असेंबली है, सो इसमें हमारे पास कितने मटेरियल है? दो मटेरियल है। एक हम मान सकते हैं कि स्टील से बना हुआ है और दूसरा जो मटेरियल हम मान सकते हैं कि कॉपर से बना हुआ है। सो ऐसे सेक्शंस जो दो या दो से ज्यादा मटेरियल से बना हुआ है उस बार्स को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट सेक्शंस बोल सकते हैं। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं कि एक सेक्शन आपका काय का है? स्टील का है। और दूसरा सेक्शन आपका काय का है? कॉपर का है। नाउ जब हमारे पास मटेरियल अलग अलग होते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी अलग अलग होती है। मीन्स जो इलास्टिसिटी होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील के लिए अलग होगा और जो कॉपर है उसके लिए अलग होगा। सो हम इसके लिए जो इलास्टिसिटी वो ES, और इसके लिए जो हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंसीडर करेंगे वो EC करेंगे। नाउ यहां पे जो टोटल लोड होगा P वो इन दोनों मटेरियल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम मान के चलते हैं कि इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है P1 और इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है P2। तो हम एक चीज लिख सकते हैं कि जो आपका P1 प्लस P2 होगा वो कितना होगा? P होगा। नाउ अब कंपोजिट सेक्शंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक ही मेंबर की तरह बिहेव करता है। मींस जो इलोंगेशन आएगा स्टील और कॉपर में वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। मींस हम लिख सकते हैं कि इलोंगेशन इन स्टील इज इक्वल्स टू इलोंगेशन इन कॉपर। सो इसका जो एक मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो इलोंगेशन आएगा स्टील में वही इलोंगेशन किसमें आएगा? कॉपर में। सो हम मान के चलते हैं कि अगर इसमें इलोंगेशन आया है स्टील में डेल्टा LS और कॉपर में आया डेल्टा LC, तो ये दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। नाउ अब हमको पता है कि प्रिज्मेटिक बार्स में हम इलोंगेशन कैसे लिखते हैं। सो PS LS डिवाइडेड बाय AS ES। सो PL बाय AE लिखते हैं तो डेल S का कितना हो जाएगा? PS LS डिवाइडेड बाय AS ES। अगर हम कॉपर का लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? PC LC डिवाइडेड बाय AC EC। नाउ जब आपका लेंथ आपकी जो स्टील की है और कॉपर की वो सेम है तो यहां पे जो आपका LS है और LC वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। नाउ हम एरिया ऑफ स्टील एंड एरिया ऑफ कॉपर फाइंड कर सकते हैं कि जो अभी हमारा बार रहेगा वो कितने डायमीटर का है। तो उसके हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ स्टील एंड एरिया ऑफ कॉपर। सो यहां पे हम AS और AC क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज ES और EC जो है वो कॉन्स्टेंट है तो वो हमको गिवन रहेंगे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील के लिए कितना है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कॉपर के लिए कितना है। अगर ये हमारे पास गिवन नहीं रहते हैं तो इनकी एक इंफॉर्मेशन मीन्स हमको ये दे देंगे कि ES 10 टाइम्स है इसी के या फिर ES जो है 5 टाइम्स है इसी के, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। सो हमारे पास EC और ES भी हमारे पास निकल आएगा। तो अगर हम इन चारों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास PS एंड PC का रिलेशन निकल के आएगा। हमारे पास PS एंड PC का क्या रिलेशन निकल के आएगा? हम मान लेते हैं कि PS इज इक्वल्स टू X इंटू PC। सो इसको हम इक्वेशन सेकेंड नाम दे देंगे। अब हमारे पास दो अननोन है P1 एंड P2, हम इसको PS PC लिख सकते हैं। सो PS PC ये हमारे पास एक इक्वेशन है और PS PC की ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। सो बाय सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा? PS मिल जाएगा और PC मिल जाएगा। सो हम वहां से क्या फाइंड कर सकते हैं गाइस? PS एंड PC। नाउ हमको इसमें क्या फाइंड करना है? स्ट्रेसेस इन स्टील एंड स्ट्रेसेस इन कॉपर।
तो हमने क्या करा, अलग अलग लोड निकाल लिए कि स्टील में कितना लोड आ रहा है और कॉपर में कितना लोड आ रहा है। सो हमारे पास लोड इन स्टील एंड लोड इन कॉपर आ चुका है। अब अगर हमको स्ट्रेस निकालना है तो हम स्ट्रेस इन स्टील कैसे निकालेंगे, पी एस बाय एस, यह हमारी आ जाएगी स्टील इन स्ट्रेस इन स्टील। सो लोड हम निकाल चुके हैं, एरिया हमारे पास गिवन रहेगा तो हम स्ट्रेस इन स्टील निकाल लेंगे। सिमिलरली अगर हमको स्ट्रेस इन कॉपर निकालना है तो हम क्या निकाल लेंगे, पी सी बाय ए सी। तो इस तरीके से हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं। सो एक बार और हम देख लेते हैं इसका क्या प्रोसीजर रहता है कंपोजिट सेक्शंस में। सो कंपोजिट सेक्शन ऐसे सेक्शन होते हैं जो कि अलग अलग जो मटेरियल होते हैं उनका जो इलोंगेशन होता है वो सेम होता है, मींस जो भी उनके बीच की जो बॉन्डिंग होगी वो सेम रहेगी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल लोड कितना लग रहा है, पी लग रहा है। तो ये जो टोटल लोड है ये रजिस्ट कौन करेगा, स्टील और कॉपर। सो अगर हम लोड इन स्टील ले तो वो हम पीएस मान सकते हैं और हम लोड इन कॉपर ले तो वो पीसी मान सकते हैं। तो पीएस प्लस पीसी किसके इक्वल आ जाएगा, पी के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। सेकेंड हम चलते हैं इलोंगेशन इन स्टील इज इक्वल्स टू इलोंगेशन इन कॉपर। सो दोनों का इलोंगेशन सेम रहेगा। अब हम इलोंगेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पीएल बाई ए, तो स्टील के लिए लिखते हैं तो पीएस एल एस अपॉन एस ई एस, और जब हम कॉपर के लिए लिखेंगे तो पीसी एल सी डिवाइडेड बाई ए सी ई सी। अब हमारे पास एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ कॉपर और ई एस और ई सी हमको गिवन रहेंगे, तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास पी एस और पी सी का एक रिलेशन आ जाएगा। हम मान लेते हैं वो आया हमारे पास पी एस इज इक्वल्स टू एक्स इंटू पी सी। नाउ ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब हमारे पास दो अननोन है पी एस पी सी, तो हमारे पास दो इक्वेशन है फर्स्ट और सेकेंड, तो इसको हम सोल्व करके पी एस और पी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब जब हमारे पास पी एस और पी सी की वैल्यू आ गई तो लोड हमारे पास है और एरिया हमारे पास है, तो हम स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं अलग अलग। तो स्ट्रेस इन स्टील कितना आ जाएगा, पी एस बाय एस, और स्ट्रेस इन कॉपर कितना आ जाएगा, पी सी बाय ए सी। सो इस तरीके से हम कंपोजिट सेक्शंस में स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं अलग अलग मटेरियल की। अब हम इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो सके। सो हम एक न्यूमेरिकल कंसीडर करते हैं। ए स्टील रोड ऑफ 3 सेंटीमीटर डायमीटर इज इनक्लोज्ड सेंट्रली इन ए होलो कॉपर ट्यूब ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 5 सेंटीमीटर एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ 4 सेंटीमीटर। सो गाइस एक ये असेंबली है जिसमें एक कॉपर ट्यूब है जो कि होलो है, जिसका एक्सटर्नल डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर और इंटरनल डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर। उसमें एक स्टील की रोड जो है इनक्लोज्ड है, जिसका डायमीटर कितना गिवन है हमारे को 3 सेंटीमीटर। अब जो द कंपोजिट बार इज देन सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 45,000 न्यूटन। सो जो पूरी असेंबली है उस पर लोड कितना लग रहा है, 45,000 न्यूटन। इफ द लेंथ ऑफ ईच बार इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो जो लेंथ है दोनों बार की वो सेम है, कितना है 15 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द स्ट्रेसेस इन द रोड एंड ट्यूब। सो हमको स्ट्रेस निकालनी है स्टील में और स्ट्रेस निकालनी है कॉपर में। हमारे पास ई की वैल्यू गिवन है, ई फॉर स्टील हमारे पास है 2.1 × 10^5 N/mm² एंड ई फॉर कॉपर है हमारे पास 1.1 × 10^5 N/mm². सो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, हमारे पास गिवन क्या क्या है। सो एरिया ऑफ स्टील कैसे निकलेगा, सॉलिड है तो सॉलिड के लिए क्या लगेगा, पाई बाय 4 × D². अब डायमीटर जो है स्टील का वो आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, इसको हम एमएम में लिख लेते वो हो जाएगा आपका 30 mm। सो एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 4 × 30^2। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये हमारे पास आ गया गाइस 6076.86 mm². नाउ हम एरिया ऑफ कॉपर ट्यूब फाइंड कर लेते हैं। सो जैसे कि यहां पे आप देखिए कि जो ये कॉपर ट्यूब है वो होलो है, तो होलो के लिए एरिया हम क्या लिखते हैं, पाई बाय 4 × एक्सटर्नल डायमीटर माइनस इंटरनल डायमीटर का होल स्क्वायर।
सो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल डायमीटर कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, सो वो आ जाएगा आपका 50 का स्क्वायर माइनस ये आपका गिवन है 40 स्क्वायर, सो ये आ गया आपका 40 स्क्वायर। तो जो आपका एरिया है दोनों के लिए वो क्या आ जाएगा 706.86 mm स्क्वायर। सो यहाँ पे हमने AS और AC फाइंड कर लिया है, दोनों कितने आया हमारे पास, AS आया हमारे पास 706.86 और AC आया हमारे पास 70.86 mm स्क्वायर। अब हम लोड ऑन स्टील रोड मान सकते हैं, PS ऑन लोड ऑन कॉपर ट्यूब हम मान सकते हैं, PC। तो जो आपका टोटल लोड है, टोटल लोड कितना आपका 45,000 न्यूटन, सो हम लिख सकते हैं जो PS प्लस PC कितना हो जाएगा हमारे पास 45,000 न्यूटन। तो ये हमारी गाइस क्या बन जाएगी, पहली इक्वेशन बन जाएगी। नाउ हमको पता है कि जो इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन इन स्टील रोड इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, इलोंगेशन इन कॉपर ट्यूब। अब जो आपका इलोंगेशन होगा स्टील रोड में वो हम लिख सकते हैं डेल्टा LS और इसके लिए हम लिख सकते हैं डेल्टा LC। अब जब ये लिखेंगे तो इसके लिए हम लिख देंगे PS LS डिवाइडेड बाय AS ES और इसके लिए लिख देंगे हम PC LC डिवाइडेड बाय AC EC। नाउ जो लेंथ है आपका दोनों 15 सेंटीमीटर है तो कैंसिल हो जाएगा, एरिया जो है दोनों का इक्वल ही है 70.86 इंटू ES हमारे पास है 2.1 इंटू 10 की पावर 5 और इधर हमारे पास एरिया है 706.86 इंटू, इसके लिए EC है हमारे पास 1.1 इंटू 10 की पावर 5। नाउ ये कैंसिल हो जाएगा सो हमारे पास बचेगा 2.1 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू PC। सो हम PS निकाल सकते हैं, PS हमारे पास आ जाएगा 2.1 डिवाइडेड बाय 1.1, सो ये आ गया 1.909 PC जो कि हमारे पास आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। सो सबसे पहले हमने इक्वेशन फर्स्ट लिखी PS प्लस PC इज इक्वल्स टू 45,000 और दूसरी हमने इक्वेशन फाइंड कर ली PS इज इक्वल्स टू 1.09 PC। सो ये जो PS की वैल्यू है हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, सो यहां से हम PC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो PC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15469.23 न्यूटन और ये जो PC की वैल्यू है हम सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास PS की वैल्यू आ जाएगी। सो गाइज ये आ गई हमारे पास PS की वैल्यू। नाउ जब हमने PS और PC निकाल लिया तो हम अब इजीली क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं इन स्टील रोड एंड इन कॉपर रोड। सो सबसे पहले हम स्टील रोड में निकाल लेते हैं सिग्मा S, तो वो कितना हो जाएगा आपका PS अपॉन AS, तो ये आपका हो जाएगा लोड कितना है यहाँ पे देखो 29530.7 डिवाइडेड बाय AS कितना है 0.86। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये आ गई हमारे पास 41.77 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ ये स्ट्रेस इनका है स्टील रोड है, अब हम निकाल सकते हैं PC बाय AC जो कि स्टील इन कॉपर रोड आ जाएगी। तो आपको लोड गिवन है 456.923 डिवाइडेड बाय 76.86, तो जब आप गाइज इसको सोल्व करेंगे 15469.23 डिवाइडेड बाय 76.86 तो ये आ जाएगा आपके पास 21.88 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
तो जो हमको स्ट्रेसेस निकालनी थी स्टील रोड एंड कॉपर ट्यूब में वो हम निकाल चुके हैं। सो एक बार और देख लीजिए, तो हमको एक असेंबली गिवन थी जिसमें हमको टोटल लोड गिवन था 45,000 न्यूटन। अब हमको स्ट्रेसेस निकालनी थी स्टील रोड एंड कॉपर ट्यूब में, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम उसमें एरिया फाइंड कर लेते हैं स्टील रोड और कॉपर ट्यूब का। सो सबसे पहले हमने स्टील रोड और कॉपर ट्यूब का एरिया फाइंड कर लिया। अब स्टील जो रोड थी वो सॉलिड थी, तो उसमें फॉर्मूला लगेगा पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। वो जो कॉपर ट्यूब थी वो होलो थी, तो उसमें फॉर्मूला लगेगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सो इस तरीके से हमने दोनों में एरिया निकाल लिया। फिर जो इसमें इलोंगेशन आता है वो सेम रहता है। सबसे पहले हमने टोटल लोड दोनों जो रजिस्ट करेंगे पीएस प्लस पीसी वो लिख दिया, तो टोटल लोड आ जाएगा। अब इलोंगेशन इन स्टील रोड इज इक्वल्स टू क्या होगा? इलोंगेशन इन कॉपर ट्यूब। सो ये लिखा, दोनों का इलोंगेशन सेम रखा, वैल्यूज पुट करी, तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा पीएस और पीसी में। सो वो हम यूज कर लेंगे और उसकी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास पीसी आ जाएगा, और फिर सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू तो हमारे पास पीएस आ जाएगा। नाउ जब हमारे पास पीएस और पीसी आ गए तो हम इजीली स्ट्रेसेस फाइंड कर सकते हैं स्टील रोड में और कॉपर ट्यूब में। स्टील रोड में जब आप स्ट्रेस फाइंड करोगे तो वो जाएगी आपके पास पीएस बाय एस, वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। स्ट्रेस इन कॉपर ट्यूब भी वैसे ही है, लोड इन कॉपर ट्यूब डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कॉपर ट्यूब, तो वो भी हम वैल्यूज रखेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो कंपोजिट सेक्शंस है उसमें स्ट्रेस फाइंड कर लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कॉलम गिवन है हमको, तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए रेनफोर्स शॉर्ट कॉन्क्रीट कॉलम 250 mm by 250 mm इन सेक्शन इज रेनफोर्स विथ 8 स्टील बार्स। द टोटल एरिया ऑफ स्टील बार्स इज 2500 mm square। The column carries a load of 390 kN. If modulus of elasticity of steel is 15 times that of concrete, find the stresses in concrete and steel. So, सबसे पहले आप गिवन देख लेते हैं हमको क्या क्या गिवन है। हमको एरिया ऑफ कॉन्क्रीट हमको गिवन है 250 by 250 mm। तो अगर हम टोटल निकालेंगे तो 250 by 250 ये हो गया हमारे पास 62500 mm square। अब ये एरिया ऑफ कॉन्क्रीट कॉलम है और एरिया ऑफ स्टील आपको दे रखा है, एरिया ऑफ स्टील बार आपको दे रखा है 2500 mm square। सो अगर जो आपका कॉलम है वो किससे बना हुआ है? कॉन्क्रीट और स्टील से। तो स्टील का आप एरिया निकाल गिवन है तो हम एरिया ऑफ कॉन्क्रीट भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ कॉन्क्रीट हम कैसे निकाल सकते हैं? जो भी आपका टोटल एरिया है उसमें से हम क्या माइनस कर सकते हैं, जो भी आपका स्टील का है एरिया वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास कॉन्क्रीट का एरिया आ जाएगा। सो जब हम इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 60,000 mm square। सो सबसे पहले हमने एरिया ऑफ कॉन्क्रीट निकाल लिया क्योंकि यहाँ जो कॉलम है वो दो मटेरियल से बना हुआ है, कॉन्क्रीट और स्टील से, तो दोनों के अलग अलग एरिया निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्टील बार्स निकाल लिया और फिर एरिया ऑफ कॉन्क्रीट निकाल लिया जो कि कितना रहा है 60,000 mm square। नाउ जो टोटल लोड है आपका वो कितना है 390 kN। अगर इसको हम न्यूटन में करें तो ये आ जाएगा हमारे पास (10^3 N). सो टोटल लोड है, तो जो भी आपका टोटल लोड है वो रजिस्ट कौन करेगा? कॉन्क्रीट प्लस स्टील, तो वो हम लिख सकते हैं इसे। नाउ हमको पता है कि जो इलोंगेशन है वो सेम होगा दोनों मटेरियल्स में, सो इलोंगेशन इन कॉन्क्रीट इज इक्वल्स टू इलोंगेशन इन स्टील, इलोंगेशन इन स्टील। सो डेल्टा एल सी जो कॉन्क्रीट का है वही आपका क्या होगा? स्टील का होगा। सो यहां पे हम देख लेते हैं कि पी सी एल सी डिवाइडेड बाय ए सी
EC is equals to PS LS divided by AS ES. Now LC और LS क्योंकि जो कॉलम है आपका उसमें कॉन्क्रीट और जो स्टील है उनकी जो लेंथ है वो सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे. अब PC divided by AC की वैल्यू हम रख सकते हैं. AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 60,000. सो हम 60,000 पुट कर देंगे इनटू EC और इनके बीच में एक रिलेशन दे रखा है. यहाँ पे देखिए जो आपका EC ES है वो आपका कितना है 15 सेंटीमीटर है, 15 टाइम्स है EC के. सो हम ES को क्या पुट कर देंगे 15 EC. सो PS डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील कितना आपको गिवन है 2500 इनटू इसको हम 15 EC पुट कर देंगे. सो ये आ जाएगा EC से EC कैंसिल हो जाएगा और PC के एक रिलेशन निकल के आ जाएगा जो कि आपका है 1.6 टाइम्स ऑफ PS. तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया PC इज इक्वल्स टू 1.6 इनटू PS. अब इस रिलेशन को हम ये जो इक्वेशन 1 है इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारे पास PS की वैल्यू आ जाएगी. सो हम उसमें पुट करते हैं तो आपका जो इक्वेशन थी PC प्लस PS इज इक्वल्स टू 390 इनटू 10 की पावर 3. तो इसमें हम PC की वैल्यू पुट कर देते हैं 1.6 PS प्लस PS इज इक्वल्स टू 390 इनटू 10 की पावर 3. तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 390 टू 1000 डिवाइडेड बाय 2.6. तो PS आ गया हमारे पास न्यूटन. नाउ PC की वैल्यू पुट करना है, PC की वैल्यू फाइंड करना है तो PC में हमारे पास रिलेशन था 1.6 इनटू PS. सो PS की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं. तो ये आ गया हमारे पास 240 न्यूटन. नाउ जब हम दोनों में फोर्सेस निकाल चुके हैं तो हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं. स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट सिग्मा सी इज इक्वल्स टू पीसी डिवाइडेड बाय एसी. स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट क्या है पीसी बाय एसी. पीसी आपके पास है कितना 240 डिवाइडेड बाय जो एरिया है आपका स्टील का वो कॉन्क्रीट का वो कितना है 60,000. तो ये आ गया आपके पास 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर. नाउ अब हम स्ट्रेस इन स्टील बार्स निकाल सकते हैं तो सिग्मा एस कितना जाएगा आपका PS डिवाइडेड बाय एस. आपका PS कितना है 150,000 डिवाइडेड बाय एरिया कितना था आपका 2500. तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं स्ट्रेस इन स्टील बार्स. तो ये आ गया आपका 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो जो आपका स्टील में स्ट्रेस है कॉन्क्रीट में वो कितना आ रही है 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर और स्ट्रेस इन स्टील बार्स कितना आ रहा है 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो ये प्रोसीजर होती है जो कंपोजिट सेक्शंस होते हैं उसमें स्ट्रेस फाइंड करने की. सो आप पहले प्रोसीजर देखें उसके बाद दो न्यूमेरिकल्स है दोनों न्यूमेरिकल्स को सोल्व करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं. इसके पहले के 4 वीडियोस भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. वहां पे हमने स्ट्रेस स्ट्रेन टाइप्स ऑफ स्ट्रेस टाइप्स ऑफ स्ट्रेन फिर हुक्स लॉ पढ़ा हुआ है तो आप उनको भी देखें और फिर अगर उनमें भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. गाइज आपको वीडियो कैसा लगा हो? आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.